तुम दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएशन के बाद जॉब फ्री होते हैं और आपको पाकिस्तान में अक्सर अच्छी जॉब्स नहीं मिलती हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि अपने मास्टर्स को जो है वो फॉरेन में परसू करें। लेकिन इशू ये आता है कि क्योंकि प्रोसीजर्स बहुत लंबे लंबे होते हैं और उनको इसमें समझने में और गाइडेंस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है और वो कंसल्टेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि यार, ये 5 मिनट की छोटी सी एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको बिल्कुल सादा से तरीके से सारा प्रोसेस समझा दीजिए। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर जर्मनी में अपना मास्टर्स करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार, हमको ये देखना चाहिए कि हम जर्मनी को क्यों प्रेफर कर रहे हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा या किसी दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में क्यों नहीं जाना चाह रहे, तो उसके कुछ रीज़न हैं जो कि मैं आपके शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो यार ये है कि जर्मनी में ट्यूशन फीस जो है वो बहुत कम है और आपको जस्ट 110 से लेके तकरीबन 300 यूरो तक जो है वो फी पे करनी पड़ती है, वो भी एक सेमेस्टर में। और उस फी को पे करने के बाद आपको एक कार्ड मिल जाता है जिसके आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जैसे कि आपको ट्रांसपोर्ट जो है वो आपके सिटी में और आपके पूरे स्टेट में यानी कि आपके सूबे में जो है वो फ्री मिलती है। आप बसेस में और ट्रेन्स में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सफ़र कर सकते हैं। और इतनी थोड़ी ट्यूशन फीस जो है वो आपको किसी दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में नहीं मिलेगी। अगर आप वहाँ पे पार्ट टाइम काम करते हैं तो आपको काम करके अपनी फीस पे करना पड़ती है, लेकिन यहाँ पे जो फीस है वो बहुत ही थोड़ी है और तकरीबन पाकिस्तान के बराबर है। और जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि आप स्टूडेंट वीज़े पे जो है पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और एक अच्छी सैलरी कमा सकते हैं और पाकिस्तान भी पीछे भी आप अपने घर भी भेज सकते हैं। उसके अलावा जो तीसरी रीज़न है वो ये है कि जर्मन इंस्टीट्यूशन जो है वो रिसर्च में बेहतरीन इंस्टीट्यूशन हैं और दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशन में इनका शुमार होता है। अगर आप अपना मास्टर्स जर्मनी से करते हैं तो आपको अपना करियर बेहतरीन बनाने का मौका मिलता है। उसके अलावा ये भी है कि जर्मनी जो है एक अच्छा कंट्री है, फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप चाहते हैं कि आप परमानेंट यहाँ पे सेटल हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अपने मास्टर्स के बाद यहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं जॉब करके। और आपको ये भी पता होगा कि जो यूरो है वो तकरीबन यूरोप की जो है सबसे पॉपुलर करेंसी और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली करेंसी है। और जो इसका सबसे बेहतर पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि आप यहाँ पे अगर परमानेंट सेट होना चाहते हैं तो आप 21 मंथ के बाद अपने मेन मास्टर्स करने के 21 मंथ के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी जिसकी बेस पे आप कभी भी जर्मनी आओ और जा सकते हैं। इतनी जल्दी आपको पीआर दूसरे किसी भी कंट्री में नहीं मिलती है, तो इसलिए मैं जो है जर्मनी को प्रेफर करता हूँ। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमको जर्मनी आने के लिए और मास्टर्स करने के लिए क्या क्या स्टेप लेने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज मीन इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। उसके अलावा फिर आपने जब आप ये काम कर लेंगे तो आपको यूनिवर्सिटीज और प्रोग्राम सर्च करने हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं और कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। उसके बाद आप उस कोर्स के लिए अप्लाई कीजिए, अपने पैसे जो हैं वो ब्लॉक कीजिए और एम्बेसी में अपॉइंटमेंट अप्लाई कर दें कि मुझे स्टूडेंट वीज़ा चाहिए। तो आइए फर्दर इन स्टेप्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं उसमें आपके मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो आप इनको सबसे पहले अपना रिलेटिव जो बोर्ड होगा जो 22 होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गुजरांवाला में रहता हूँ तो यहाँ पे मैं 22 गुजरांवाला में जाऊँगा और अपना एक एक ओरिजिनल और दो फोटो कापीज जो है वो अटेस्ट करवा लूँगा। और उसके बाद अटेस्टेशन के बाद मैं IBCC जो कि लाहौर है या इस्लामाबाद, इसके डिफरेंट सेंटर्स हैं, तो वहाँ से मुझको इसकी फर्दर अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी कि जो मेरी डिग्रीज हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और उनमें किसी किस्म का कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं है। तो जब मैं IBCC से करवा लूँगा तो इसके बाद मेरे मैट्रिक और इंटर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद मुझे अपने जो बैचलर की डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट है वो HEC से अटेस्ट करवानी है। इसके लिए आप ऑनलाइन जो है अप्लाई करते हैं अपॉइंटमेंट, और आप इसे अर्जेंट बेस पे भी कर सकते हैं और थ्रू TCS भी अटेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप आएगा, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लिए तो आपको जर्मनी में अप्लाई करने के लिए आपको लैंग्वेज अपनी शो करनी पड़ेगी कि मैं एक इंग्लिश में प्रोफिशिएंट स्पीकर हूँ और मैं इंग्लिश को अच्छे तरीके से सुन सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो उसके लिए जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ये है कि आप IELTS दें
आर्ट्स में आपको 6.0 चाहिए होता है, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, आपको कम से कम 6.0 लेना पड़ेगा आर्ट्स में, और ये बहुत आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। आप एईओ का भी आर्ट्स दे सकते हैं और ब्रिटिश काउंसिल से भी दे सकते हैं, आप टॉइफल दे सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि यार मैं आर्ट्स नहीं देना चाहता, मैं जस्ट ऐसे ही अप्लाई करना चाहता हूँ, तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी हैं जो कि आपको सर्टिफिकेट की बेस पे, मतलब आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट बनवा लें कि ये जो स्टूडेंट है ये अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और इंग्लिश स्पीकर है, तो वो आपको इसकी बेस पे जो है अपना एडमिशन दे देंगे। और देन आप अपनी यूनिवर्सिटी से एम्बेसी के लिए भी एक लेटर हासिल कर लीजिएगा, और एम्बेसी भी आपसे आर्ट्स के लिए नहीं पूछेगी। लेकिन आर्ट्स जो है इसको मैं इसलिए प्रेफर करूँगा कि आर्ट्स से दरअसल आपके वीज़ा के चांसेस अच्छे हो जाते हैं, और आपका जो प्रोसीजर है वो स्मूथ हो जाता है, आप ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा चांसेस जो है आपके बढ़ जाते हैं, इसलिए आर्ट्स लेने ज़्यादा मुश्किल आर्ट्स नहीं होता। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने जब अपना आर्ट्स भी दे लिया और आपके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपने क्या करना है कि अब आपने ढूंढना है कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए और कौन सा प्रोग्राम करना चाहिए। तो उसके लिए एक बिल्कुल सिंपल सी वेबसाइट है dart.de, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप अपना वेबसाइट ओपन करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, और आप यहाँ पे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स ये लिखा होगा कि मैं प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप कौन सी डिग्री करनी चाहते हैं, आप केमिस्ट्री में करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं, आप उसका नेम लिखेंगे, कोर्स टाइप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मास्टर डिग्रीज यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, वो कौन सी लैंग्वेज में कोर्स होना चाहिए, तो मैं इंग्लिश होंगी क्योंकि हमें इंग्लिश कोर्सेज पढ़ने होते हैं। उसके बाद अपना रिलेटिव फील्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे तो आपके सामने सब प्रोग्राम्स आ जाएंगे, उनकी सब डिटेल्स आ जाएंगी, क्योंकि जर्मनी में एक बहुत अच्छा पोर्टल है जहाँ से आप अपने सर्च कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना है। जब आप एक दफ़ा इस कोर्स को ढूंढ लेंगे तो उसके बाद आपको डार्ट के थ्रू आपने कोर्स ढूंढना है, और उसके बाद एक पोर्टल है जिसके थ्रू आप अप्लाई करना है। एक्सट्री यूनिवर्सिटी जर्मनी में एक ऐसा पोर्टल है जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेसिंग फीस सेंड कर देते हैं, और वो आगे आपकी यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेट करते हैं, मीन आपका जो जीपीए है उसको जर्मन जीपीए में कन्वर्ट करके आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है आपके डॉक्यूमेंट्स उस यूनिवर्सिटी को भेज देते हैं। तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी पे जाना होता है और वहाँ पे अपना अकाउंट बना के आपने उस प्रोग्राम को ढूंढना है। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करना चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर साइंस मास्टर्स खोलेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी खोलेंगे और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए तकरीबन जो है 75 यूरो जो है फर्स्ट टाइम के लिए लगते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पहली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो आपको 75 यूरो जो है वो सबमिट करवाना पड़ेंगे, उसके बाद जो दूसरी यूनिवर्सिटी है उसके लिए आपको 30 यूरो पर यूनिवर्सिटी या पर प्रोग्राम के हिसाब से सबमिट करवाना पड़ता है पर एप्लीकेशन। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप तकरीबन 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें ताकि आपका जो चांसेस हैं एडमिशन मिलने के वो ज़्यादा हों। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा करते हैं कि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं और आप कॉन्फिडेंट है कि यार मुझे एडमिशन मिल जाएगा, तो एक रिस्की काम होगा, इसलिए आप कोशिश करें कि कम से कम यार 3 यूनिवर्सिटीज़ में आप मस्ट अप्लाई करें। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनका अपना पोर्टल होता है, फॉर एग्जांपल उन्होंने एक वेबसाइट बनाई होती है और आप सिंपली वहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ता अपने एडमिशन के लिए, तो आप रिसर्च करके ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी ढूंढ सकते हैं और वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी आपको फर्दर इस बारे में गाइड कर सकता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपको जर्मनी जाने के लिए यहाँ तक आपका प्रोसेस जो है तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आइट्स के वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, आप 1 रुपया दिए वगैरह जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब आप जर्मनी जाना चाहती हैं तो आपको जर्मनी जाने के लिए जर्मन एम्बेसी रिक्वायर करती है कि आप शो करें कि आप 1 साल के लिए अगर काम नहीं भी करते हैं, आपको काम नहीं मिलता, तो आप अपना इजी टू लिव है, आप वहाँ पे आसानी से रह सकते हैं। तो उसके लिए आपको 1 साल का खर्चा जो कि 10,236 यूरो बनता है वो आपको उनके अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा, और ये पैसे कहीं पे भी नहीं जाएंगे, ये आप जब जर्मनी चले जाएंगे तो आप हर मंथ 861 यूरो जो हैं वो निकलवा सकते हैं, उसमें से आप अपनी फीस पे कर सकते हैं, अपना खाना खा सकते हैं,
आपके जो एक्सपेंसेस हैं आप वो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यार मैं ये पैसे यूज़ नहीं करना चाहता, तो आप उसे अपने अकाउंट में वैसे ही रहने दीजिए, अपना काम कीजिए और उसमें से फीस जो है वो पे कीजिए। तो इस तरह आपको एक साल का खर्चा अपना जो है जमा करवाना पड़ता है स्टूडेंट वीज़ा के लिए। इसके लिए दो बैंक ज़्यादातर यूज़ होते हैं, एक फिनटीबा है और दूसरा कोरेकल है। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो फिनटीबा है। इसके बाद जो है आपका प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका है तकरीबन, और आपके पास आपका ब्लॉक अकाउंट बन चुका है, आपके पास आपका एडमिशन लेटर है, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। तो आप जो है जर्मनी एम्बेसी की वेबसाइट पर जाके अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं। और अगर आपका तल्लक पंजाब से है और जो है फेडरल एरिया से है, तो आप जो है इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर आपका जो तल्लुक है वो सिंध से है, तो आप कराची जर्मन कौंसुलेट में अपने डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं और वो आपको अपॉइंटमेंट के लिए खुद ही बुला लेंगे। अपॉइंटमेंट में आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आप जर्मनी क्यों आना चाहते हैं, आप ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं, आपके फादर क्या करते हैं, आपके कितने रिलेटिव बाहर होते हैं, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में। और उसके बाद आपको 1 से 2 माह में वीज़ा मिल जाता है, जिसकी रेशियो बहुत अच्छी है। और ऐसा सुनने में कभी कभार आता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, लेकिन मोस्टली आपका वीज़ा 99.9% चांसेस है कि आपका वीज़ा लग जाएगा। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप फर्दर जर्मनी में स्टडी करने के बारे में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और ये कुछ स्टैट्स हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के मुताबिक, तकरीबन 50% स्टूडेंट्स यूरोप में और 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉन यूरोप हैं, 33% एशिया से हैं, और फर्दर आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ डिटेल्स दे गई है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी फीडबैक दे सकते हैं और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।